हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो डेटा लिंक लेयर जो होती है हमारी ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर होती है बॉटम से, ठीक है। तो इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो क्या क्या होती है इनको देखते हैं। तो फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, होप टू होप और नोड टू नोड डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसका हम यूज करते हैं किसी छोटे एरिया में, ठीक है, यानी कि जैसे बिल्डिंग हो गई वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और इनका हम यूज बड़े नेटवर्क में नहीं कर सकते, यानी कि अगर बड़े नेटवर्क में भी इसका यूज होता है तो कैसे होता, पहले किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाएगा, फिर वहां से उस डिवाइस पर, ऐसे कर कर वो सोर्स डेस्टिनेशन पहुंच पाता है। लेकिन डायरेक्ट डेटा लिंक लेयर के थ्रू कभी भी डेटा नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा, जब वह बहुत दूर हो, लेकिन वह किसी बिल्डिंग में हो तो हम डेटा लिंक लेयर के द्वारा डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, होप टू होप डिलीवरी, ठीक है। सेकंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, अगर जो कोई सेंडर डेटा सेंड करता है रिसीवर, लेकिन रिसीवर की कैपेसिटी कम है उस डेटा को सेंड करने की, और जो सेंडर क्या कर रहा है उस डेटा को लगातार भेजता ही जा रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जो वो डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा, रिसीवर का जो बफर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है, वहां पर उस डेटा का कोई यूज नहीं होगा। तो इस समस्या से बचने के लिए डेटा लिंक लेयर क्या करती है, फ्लो कंट्रोल करती है। फ्लो कंट्रोल यानी कि हम पहले देखते हैं कि जो रिसीवर साइड है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि हम कितना डेटा भेजे जिससे कि वह ओवरफ्लो ना हो और वह डेटा अच्छे से यूज हो सके। तो इसमें हमारे पास तीन टेक्निक होती है। फर्स्ट होती है स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये अभी देखेंगे वहाँ की। फिर इसके बाद आता है सेकंड गो बैक एंड ARQ। थर्ड होता है सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक है। अब ये इसकी टेक्निक होती है फ्लो कंट्रोल की। अब देखते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एरर कंट्रोल में हमारे पास आते हैं साइक्लिक रिडंडेंस चेक, और फिर आता है चेकसम और पेरेटी चेकसम। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो इस यहाँ पर ओनली यही काम आता है, डेटा लिंक लेयर में केवल CRC ही टेक्निक हमें काम आती है एरर को कंट्रोल करने के लिए। अब एरर कंट्रोल क्यों करते हैं डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल इसलिए करते हैं कि अगर मान लो हमें डेटा भेजना है इंडिया टू अमेरिका, तो डेटा डायरेक्ट तो जाएगा नहीं वहां पर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट भेजने का काम किसका, नेटवर्क लेयर का। लेकिन नेटवर्क लेयर में भी क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर उसमें सपोर्ट करता है उसको डेटा को भेजने के लिए, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पर जाता फिर दूसरे नोड पर, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मान लो कि डेटा में एरर है, यानी कि जब फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड पर डेटा गया तो सेकेंड नोड के पास डेटा में एरर हो गई, ठीक है। तो अगर एरर कंट्रोल का यूज नहीं करेंगे तो वो जो सेकेंड नोड है वो क्या करेगी, डेटा को आगे ट्रांसमिट करती रहेगी और ऐसे जाकर डेस्टिनेशन पर डेटा पहुंच जाएगा। तो फिर डेस्टिनेशन जो है डिवाइस उसको पता चलेगा कि इसमें तो एरर है और वह डेटा उसके लिए कोई काम का नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम डेटा को वहां पर, यानी कि जो रिसीवर साइड है वहां पर चेक न करके हर एक नोड पर डेटा को चेक करें, यानी कि एरर को चेक करें कि उसमें एरर तो नहीं है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि जैसे बस टोपोलॉजी है, ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि प्रत्येक जो डिवाइस होते हैं वह डेटा जब भी सेंड करते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर सभी जितने भी नोड उससे कनेक्ट है या जितने भी डिवाइसेस उस जो बैकबोन होती है, बैकबोन केबल है उससे कनेक्ट है, अगर उन सभी ने एक साथ डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया तो उस समय क्या होगा, सारे के सारे डेटा कोलाइड हो जाएंगे और वह डेटा कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो इससे बचने के लिए एक्सेस कंट्रोल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास तीन टेक्निक होती है, CSMACD, प्योर अलोवा एंड स्लोटेड अलोवा, टोकन बस और रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी हमारे पास डिवाइस है वो डेटा सेंड करेगा, उससे पहले वह जो बैकबोन केबल है बस टोपोलॉजी में, जो बैकबोन केबल है उसमें यह चेक करेगा कि कोई और डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है।
अगर कोई और डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा तो उस समय कोई भी दूसरा डिवाइस डेटा को सेंड नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो भी डिवाइस डेटा सेंड करना चाहता है वह उसका एक्सेस लेगा, एक्सेस लेने के बाद फिर वह डेटा सेंड करेगा, और जब वह डेटा सेंड करेगा तो जब उसका डेटा चल रहा होगा उस टेबल में उस समय कोई दूसरा जो हमारे पास डिवाइसेस है वह डेटा को सेंड नहीं करेंगे। तो ये यूज होता है एक्सेस कंट्रोल का। अब आता है फिजिकल एड्रेस। जो हमारे डेटा लिंक लेयर है यहाँ तक हमारे पास कौन सा एड्रेस यूज होता है? मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस का मतलब यह एक फिक्स एड्रेस होता है और 48 बिट का एड्रेस होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें एक बिल्डिंग में, वापस मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि यह छोटे एरियाज के लिए यूज होता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, हमें किसी बिल्डिंग में ऐसे डेटा को सेंड करना है तो वहां पर हम सिर्फ एक एड्रेस का यूज करके उसमें आसानी से डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया टू अमेरिका, ठीक है, तो अगर वहां पर डेटा सेंड करना है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा हमारे पास कि अगर हम उसमें मैक एड्रेस यूज करेंगे तो जो रिसीवर वहां पर बैठा है अमेरिका में उसको ये लगेगा कि वह अभी भी उसी छोटे नेटवर्क में है। ठीक है, यानी कि अभी उससे बाहर नहीं निकला है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस यूज करते हैं जो कि हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लास के हिसाब से यह डिफाइन किए जाते हैं। अब फ्रेम्स की बात करते हैं। तो जब डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो नेटवर्क लेयर होती है वहां से जब डेटा डेटा लिंक लेयर में आते हैं तो डेटा लिंक लेयर पर उन बिट्स को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। तो फ्रेम में क्या होता है, फ्रेम में होता है हमारे पास बिट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ बिट्स। ठीक है, तो इसके आगे और आगे क्या लगाते हैं, इसमें हेडर और पीछे टेल। ठीक है, दोनों लगा देते हैं जिससे कि सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस दोनों लगा के फिर इसको डेटा को भेज दिया जाता है। यानी कि एक जो हमारा मैसेज है उसको कई टुकड़ों में या कई फ्रेम में तोड़ के उसको हम रिसीवर साइड भेजते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा डेटा पर्टिकुलरली वहां पर पहुंच जाता है, कोई भी ओवरफ्लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और हर एक फ्रेम का एक यूनिक नंबर होता है जिससे कि जब वह जो हमारा फ्रेम्स यहाँ से सेंडर की तरफ से सेंड की गई है रिसीवर को तो वह क्या हो, वह वहां पर जाके वापस से उसी सीक्वेंस में चला जाए। ठीक है, अगर हमने हेलो भेजा तो सबसे पहले ए से जाएगा फिर ई डबल एल ओ ऐसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि ओ पहले पहुंच गया फिर ओ डबल एल ई एच ऐसे आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक सिक्वेंस नंबर होता है उसके हिसाब से फ्रेम्स ट्रांसमिट की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।